कोई भी ऐप है बेसिकली, अगर बेसिकली सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में, जो सारे यूज करते हैं, बट व्हाट्सएप यूज करना क्या सेफ है? तो गाइज आज हम जानेंगे कि व्हाट्सएप ने क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस किए हैं। उससे पहले प्राइवेसी पॉलिसी होता क्या है ये जान लेते हैं। इन शॉर्ट प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये है कि वो आपको बेसिकली ये बताते हैं कि वो आपका डेटा किस तरीके से यूज करेंगे और कौन सा डेटा यूज करेंगे और कहाँ यूज करेंगे। दैट्स ऑल प्राइवेसी पॉलिसी इज। तो गाइस वन बाय वन करके हम आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट्सएप का क्या सीन हुआ है। सो गाइस शुरू करने से पहले हम एक आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो फेसबुक है मार्क जुकरबर्ग की है, और जो फेसबुक है वो व्हाट्सएप को ओन करती है और इंस्टाग्राम को भी ओन करती है। तो बेसिकली मार्क जुकरबर्ग के अंडर ये तीन ऐप्स आती है जो कि मेजरली यूज होती है इंडिया में, तो सबसे ज्यादा यूज होती है आपको पता ही है। तो ये मुझे पहले बताना था ताकि आगे जाके कुछ भी आपको नहीं समझ आएगा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई व्हाट्सएप शेयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। गाइज पहला पॉइंट ये है कि जिन लोगों को नहीं पता है कि जो मैसेजेस हैं व्हाट्सएप पे, जो हम एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं, वो कहाँ सेव हो रहे हैं, तो वो गाइज एक सर्वर पे सेव होते हैं। तो अगर गाइज आपने किसी को मैसेज भेजा है और उसने सीन कर लिया है तो वो मैसेज उसी टाइम सर्वर से डिलीट हो जाता है। बट अगर उसने उसका डाटा ऑफ है उस पर्सन का और वो मैसेज उस तक नहीं डिलीवर हुआ है तो वो 30 डेज जो है वो 30 डेज के लिए रहता है व्हाट्सएप के सर्वर पर। उसके बाद जो व्हाट्सएप है वो उसको डिलीट कर देता है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि आप लोगों ने एंड टू एंड इंक्रिप्शन बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो बेसिकली ये होता क्या है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि जो मैसेज मैं फॉर एग्जांपल संजना को भेज रहा हूँ अपने व्हाट्सएप से इसके व्हाट्सएप में, वो मेरे पास जब वो मैसेज मेरे तरफ से जाएगा तो वो एक कोड वाले फॉर्म में जाएगा, और जब तक वो उसके पास नहीं पहुंचता वो मैसेज कोड वाले फॉर्म में ही रहेगा। मतलब अगर मान लो बीच में कोई इसको चोरी भी करता है मैसेज को तो वो कोड वाले फॉर्म में ही रहेगा, तो वो जो भी चोरी कर रहा है उस मैसेज को वो पढ़ नहीं पाएगा। तो एंड इंक्रिप्शन बेसिकली एक चैट को ना बहुत ज़्यादा सेफ बना देते हैं। तो गाइज यही होती है बस एंड टू एंड इंक्रिप्शन। और गाइज अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेता है। मतलब आप अगर फ़ोन चला रहे हो, आप उनकी ऐप यूज़ कर रहे हो, तो आप उनको क्या क्या डाटा शेयर कर रहे हो। और जो नई प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग है उसमें आप लोग उनके साथ मॉडल नंबर, जो आपका फ़ोन का मॉडल नंबर है वो उनके साथ शेयर कर रहे हो, अपना मोबाइल नंबर शेयर कर रहे हो, अपना आईपी एड्रेस शेयर कर रहे हो उनके साथ, अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हो, और काफ़ी सारी हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर कर रहे हो, लाइक बैटरी लेवल ऑफ योर फोन और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप बेसिकली सब कुछ शेयर कर रहे हो। आप बेसिकली एवरीथिंग यू आर शेयरिंग विद देम। और गाइज इसमें एक और भी चीज था कि जो लोकेशन है, अगर आपने लोकेशन वाली सर्विसेज इनकी ऑन नहीं करी है, जैसे कि अगर आप किसी को लाइव लोकेशन भेज रहे हो, आपने अगर वो नहीं भी भेजी है तो भी व्हाट्सएप को आपकी लोकेशन दिख रही है। तो बेसिकली व्हाट्सएप जो है वो आपका सारा डाटा उनके पास रहता ही रहता है, आपका आईपी लोकेशन से लेके मोबाइल नंबर से लेके नेम से लेके सब कुछ बेसिकली अब उनके पास है। सो गाइज जो 2019 में प्राइवेसी पॉलिसी आई थी जब व्हाट्सएप की, तो उसमें नो थर्ड पार्टी बैनर एड्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया था। सो गाइज फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि नो थर्ड पार्टी बैनर एड्स जो पिछली बार 2019 में प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन नहीं थी पर इस साल उन्होंने मेंशन करी है। और जिन लोगों को नहीं पता है बैनर एड क्या होती है तो मैं उनको बता देती हूँ कि जो एप्स हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मोनेटाइजेशन करवाती हैं, और वो मोनेटाइजेशन में वो थर्ड पार्टी बैनर एड्स जो है वो अपने ऐप पे दिलवाते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा बहुत टाइम आप जब कोई और ऐप यूज करते हो तो उसके ऊपर ऐसे एड्स के ऊपर बॉक्स सा बनाता होगा, तो उसको बेसिकली हम थर्ड पार्टी बैनर एड्स बोलते हैं, जो कि व्हाट्सएप ने 2019 में मेंशन नहीं किया था। बट इस टाइम पे अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तो व्हाट्सएप ने जो 2020 की प्राइवेसी पॉलिसी दी है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि अभी फिलहाल के लिए नहीं है ये थर्ड पार्टी बैनर एड्स, अभी वो नहीं दे रहे हैं, बट आगे जाके वो डेफिनेटली ये चीज दे सकते हैं और इसकी वजह से वो प्राइवेसी पॉलिसी भी चेंज कर सकते हैं। उन्होंने लिखा तो नहीं है कि वो देंगे, उन्होंने उन्होंने ऐसे बोला है कि इफ वी इंटेंड टू देन वील अपडेट द प्राइवेसी पॉलिसी। मतलब कि हम ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं जाते करना,
बट प्रोबेबली चांसेस यही है कि इसके अंदर बैनर एड्स आने वाली हैं मोस्टली, जहां तक अभी इन्होंने जो भी लिखा है कि आगे चल के दे सकते हैं और प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं दोबारा से इसके लिए, तो डेफिनेटली वो चीज हो सकती है क्योंकि हर साल प्राइवेसी पॉलिसी तो रिवाइज होती ही होती है। एग्जैक्टली। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट है, हाउ डज व्हाट्सएप अर्न। पिछला पॉइंट सुनने के बाद आपको क्वेश्चन तो आया होगा ना कि बैनर एड्स अभी तक तो नहीं आती हैं तो व्हाट्सएप अर्न कैसे करता है। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आपको पता ही ज़करबर्ग की तीन कंपनीज हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी एड्स वो दे रहा है, व्हाट्सएप वो कैसे यूज़ कर रहा है, उसको पता है कि व्हाट्सएप जो है पूरा ग्लोबली यूज़ हो रहा है, तो वो क्या करता है, व्हाट्सएप पे आप क्या क्या लिख रहे हो वो पढ़ नहीं सकता, बट कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे वो आइडेंटिफाई जिन्हें वो कर लेता है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, कैमरा, डेल, एसर, सैमसंग, वन प्लस, एप्पल, ये कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने दोस्त को बोला ना कि हाँ भाई ये देखिए लैपटॉप की वीडियो देखिए कितना अच्छा है, तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उनकी एड्स आएंगी। तो बेसिकली वो व्हाट्सएप के आपके कीवर्ड वाले डेटा को यूज़ करके आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एड्स दिखा रहा है जो कि आपके रेलिवेंट हैं। तो बेसिकली व्हाट्सएप जो है एक मीडियम बन गया है और वो फेसबुक और इंस्टाग्राम की एड्स को और ज़्यादा फास्ट और बेटर करता है, जिससे कि फेसबुक ज़्यादा कमा पाता है, मार्क ज़करबर्ग ज़्यादा कमा पाता है, और एक तरीके से व्हाट्सएप जो है उनका काफ़ी मेजर मीडियम है क्योंकि आप सारे पर्सनल कॉन्वर्सेशन अपनी व्हाट्सएप में ही करते हैं और फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग के हाथ में है। मैं बारा फेसबुक बोल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज राइट नाउ वी आर विटनेसिंग व्हाट्सएप द फेसबुक कंपनी बीबॉम। और गाइस बहुत सारे लोगों ने ये भी बोलते हैं कि यार हमने आज जो मैसेज भेजा उसी के एड्स आने लग गए, यार ये क्या जादू है यार, ये कैसे हो जाता है। तो गाइस जो ये लोग पूछते हैं वो ऐसे होता है कि व्हाट्सएप जो है वो सब कुछ शेयर करता है कीवर्ड्स टाइप्स, और जो भी हम देख रहे होते हैं प्रोडक्ट्स या खरीदने का सोच होते हैं वो ऑटोमेटिकली हम गूगल फेसबुक को पता चल जाता है बेसिकली। तो गाइस ये ध्यान रखना कि व्हाट्सएप पढ़ नहीं सकता आपने क्या कहा, उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। फॉर एग्जांपल मैंने सन्ना को बोला ना कि डेल का ये लैपटॉप बेकार है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो डेल गुस्सा नहीं होना, ठीक है। अगर मैंने बोला कि डेल का लैपटॉप बेकार है, व्हाट्सएप को नहीं पता कि हमने बोला है कि डेल का लैपटॉप बेकार है, बट उसने डेल जो है वो कीवर्ड उठा के मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डेल के लैपटॉप से या डेल की एड्स दिखानी शुरू कर देनी है। और दो टाइप की एड्स होती हैं, एक होती है नॉर्मल एड और एक होती है पर्सनलाइज्ड एड, ठीक है। व्हाट्सएप की इस फीचर की मदद से वो हमें पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाता है जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो इसलिए व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टाग्राम इससे ज़्यादा अर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गाइज वैसे जितनी मर्जी व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करते रहे, इंडियंस डोंट केयर, उनको सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करना है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या उनकी चीज़ें शेयर हो रही है, क्या उनका मतलब व्हाट्सएप क्या उनकी चीज़ें ले रहा है, क्या डिटेल्स ले रहा है, क्या क्या व्हाट्सएप अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी व्हाट्सएप का मैं बोलूँगी यूज़र बेस है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, स्पेशली इन इंडिया की एज से लेके मतलब नॉट इवन इंडिया ग्लोबली बहुत ज़्यादा है, बट इंडिया में मेरे को ऐसा लगता है सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली एज्ड लोग भी यूज करते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो पूछ रहे हैं भाई प्राइवेसी पॉलिसी क्या होता है, उनको नहीं पता है क्या होता है, और उनको नहीं पता है कि उनकी ये सारी चीजें शेयर भी होती हैं। तो गाइज इंडियंस जो है उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी से। और गाइज एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो व्हाट्सएप है उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि 16 इयर्स अबव लोग ही इसे यूज़ कर सकते हैं, बट आपको इंडिया का पता ही है यहाँ 4 से 5 साल के बच्चे के हाथ में भी व्हाट्सएप दे देते हैं ये लोग, उनको भी यूज़ करना आता है और इवन कईयों से ज़्यादा आता है, मतलब अपने मॉम डैड से भी ज़्यादा यूज़ करना आता है उन लोगों को। तो बच्चे आज बहुत ज़्यादा वो हो गए ना, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा एडवांस है, हम तो अपने ज़माने में मिट्टी खाते थे उस टाइम पे। तो गाइज आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार इससे क्या फर्क पड़ता है, बाहर में जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, उठाता है व्हाट्सएप उठाने दो, मेरे को प्राइवेसी पॉलिसी फर्क नहीं पड़ता, मेरी कोई प्राइवेसी है नहीं इस चीज में ये वो। तो गाइज एक्चुअली ना आपको व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी से बहुत फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आई थिंक यूरोप जो है वहाँ पे उन्होंने, मैं थोड़ा डिफरेंट केस की बात करता हूँ, एप्पल जो आपको पता चार्जर के बिना फ़ोन दे रहा था, ठीक है, तो बेसिकली यूरोप ने क्या किया था, यूरोप ने रूल बना दिया था कि हमें जो एप्पल के फ़ोन चाहिए उसके अंदर ईयरफोन्स इंक्लूडेड चाहिए, क्योंकि ईयरफोन्स भी नहीं आ रहे थे नए वाले आईफोन्स के अंदर, तो उनकी गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स पास किए जिसकी वजह से
मजबूरन एप्पल को वहाँ पे विद ईयरफोन शिप करने पड़ गए आईफोन अपने, ठीक है। तो अगर इंडिया की गवर्नमेंट जो है कोई स्टेप लेती है इसके अगेंस्ट, और वो लेगी कब स्टेप, जब आप लोगों को उससे फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको ही फ़र्क नहीं पड़ेगा तो गवर्नमेंट कभी स्टेप ही नहीं लेगी। और ये कॉरपोरेट कंपनीज हैं, ये इनको तो बस पैसे ऐंठने वाली बात है, इनको पैसे कमाने हैं। बट गाइज अगर हम कंपनी के भी पर्सपेक्टिव से जाएं, मतलब ऑब्वियसली कोई भी कंपनी फ्री में क्यों ही देगी, उनको भी तो प्रॉफिट कमाना है, वो फ्री में कुछ भी नहीं देते। अगर मेरी भी खुद की कंपनी है तो मैं कंपनी खोलूंगी क्यों अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली उनका भी पर्सपेक्टिव गलत नहीं है ये करके कि हाँ ऑब्वियसली वो कुछ तो कमाएंगे ना आप लोगों से, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है आजकल के टाइम पे, वैसे ही कुछ नहीं मिलता है फ्री में। तो वो भी आपको फ्री में आप परोस के नहीं देंगे, उनको भी कुछ कमाना रहता है, जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें उनको लेकर आनी पड़ती है। बट आई गेस थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए ईच एंड एवरी कस्टमर का और कंज्यूमर का। ऑल्सो वो अभी जब तक व्हाट्सएप फ्री था 2020 से पहले, वो तब भी कमा रहे थे इससे। द थिंग इज कि वो उससे बस पर्सनलाइज्ड एड्स नहीं दे पा रहे थे। पर्सनलाइज्ड एड्स जो होती हैं वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती हैं, तो उससे वो ज़्यादा कमाएंगे। अब वो उस मार्जिन की वजह से जो ये प्राइवेसी के साथ इन्वेड करके खेल रहे हैं प्राइवेसी के साथ, वो इनको नहीं करना चाहिए। सो गाइस जैसे कि आपको पता है प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है हर एक की लाइफ में। आई गेस मेरी लाइफ में भी करती है, इसकी में भी करती है, और आई गेस आपकी में भी करती होगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अपना पर्सनल डेटा जो है वो कहीं और शेयर हो या कहीं और डिस्प्ले हो। बाई चांस लीक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी। इसके अलावा भी गाइज ऐप्स हैं जैसे कि हाइक हो गया, सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया। बाय द वे हाइक जो है वो बंद होने वाला है, तो डियर हाइक अगर आप लोग हाइक का कोई भी कॉरपोरेट या कोई भी इंसान जो है ये बात सुन रहा है, तो हाइक को एक्टिवेट करने का, दोबारा से लॉन्च करने का इससे बेटर ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। टेलीग्राम के अंदर कुछ फीचर्स नहीं है, व्हाट्सएप से जो क्लोजेस्ट है ना वो हाइक है, और हाइक भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। तो हाइक को सुन रहे हो तो दिस इज अ गुड टाइम टू रीलॉन्च। मार्केटिंग मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता। और हाइक कैन बी अनदर व्हाट्सएप फॉर इंडियंस आई गेस। तो हाइक को थोड़ा इंप्रूव कर लेना चाहिए, रेदर देन लीविंग मार्केट दे शुड रीलॉन्च दिस प्रोडक्ट अगेन। एयरटेल के पास इतने पैसे हैं, दोबारा से करो, तुम्हारी एयरटेल वालों की तो ऐप है। हां वही तो। और गाइज तो अभी अगर आप लोगों को चाहिए कि हम लोग आपको सिग्नल और टेलीग्राम और ये सारी ऐप्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे कि इसमें क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसीज़ है, इसमें क्या हम डाटा शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सिक्योर है या नहीं है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चाहिए कि हम इस पर वीडियो बनाएं या नहीं। तो उसके बाद हम जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसके ऊपर जो है एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको देंगे, ताकि आप अपनी बेस्ट चॉइस जो है वो ले सकें, डिसीजन ले सकें। एग्जैक्टली। सो गाइज अब ये आप पे है कि आपने व्हाट्सएप अभी से यूज़ करना है या नहीं करना है। मैंने तो जो ऑल्टरनेटिव ऐप्स हैं वो इंस्टॉल कर लिया है, ताकि जल्दी उसके बारे में नॉलेज और ज़्यादा गेन हो जाए और हैंड टू हैंड फिट हो जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, या फीडबैक देने के लिए, या फिर अगर आपको हाइक तो अब आउट हो गया, सिग्नल और टेलीग्राम के ऊपर वीडियो चाहिए और भी ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर वीडियो चाहिए जो कि आपको यूज़ करने हैं इन फ्यूचर। एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए एंड देखते रहिए टेकी बियर। माइसेल्फ अमनप्रीत, दिस इज संजना साइनिंग ऑफ। शुरू से ना शुरू करियो भाई। नहीं, मैं शुरू से शुरू करूंगी।